अगर आप कोई डिजिटल इन्फ्लुएंसर हो, जैसे कि कोई यूट्यूबर हो गया, जैसे कि कोई पब्लिक फोरम में स्पीकर हो गया, अगर आप वैसे इन्फ्लुएंस करते हो किसी को, तो जाहिर सा बात है आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इस तरीके का कमेंट लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जस्ट इग्नोर करता हूँ इन लोग को, पर कभी कभार क्या होता है कि जवाब देना पड़ता है। इस बंदे या बंदी ने लिखा है कि ओए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पॉटी करने वाला चीज़ खाओ, मतलब पॉटी जो ऑर्गन से पॉटी होता है वो खाओ। तो बस कहना कुछ नहीं है भाई, मैं तेरी तरह गंदी आदतें नहीं पालता। हो गया तेरे को जवाब, जो जवाब तेरे को चाहिए था मिल गया, तेरे को अटेंशन चाहिए था भाई मिल गया। अटेंशन को ले और अपनी डाल ले। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं MSK की तरह। बूम। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:15, और सबसे पहले हमको जाना है पेट्रोल पंप की तरफ। बाइक में थोड़ा पेट्रोल भरवाना है, उसके बाद में जाना है आसिफ के घर, उसके बाद में जाना है यूनुस के घर, और जाके दसई का भाग जो कल के व्लॉग में था वो सब देना है उन लोग को, क्योंकि कल इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि बस आसपास नहीं बोरोडे में बांट पाए हम लोग, तो जो टाउन का घर वगैरह था वो सब रह चुका था। और पापा का कुछ काम है थोड़ा सा, वो भी करना है आज। जब वो सब ख़त्म हो जाएगा तो हमको जाना पड़ेगा ईस्ट मेन रोड, और जाके अश्मिता को पिकअप करना पड़ेगा वहाँ से। और फाइनली कल का बड़ा दिन के लिए, कल है दसई, 15 अक्टूबर, दसई, दसई के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो आपका भाई पूरा जंगली बन के बैठा हुआ है, इतना लंबा लंबा बाल। नॉर्मली लास्ट ईयर मैंने बहुत लंबा कर लिया था बाल, पर इस साल मुझे लंबा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन गेटिंग माई हेयर लॉन्गर। लास्ट ईयर तो इतना तक पहुँच चुका था मेरा बाल। तो वहाँ पे स्टाइल एंड स्माइल यूनिसेक सलून, जो सलून को मैंने पहले प्रमोट किया था इन वन ऑफ माई वीडियोज़, वहाँ पे जाके बाल वाल काटना है मुझे। तो जब वो सब ख़त्म हो जाएगा तो शायद शाम भी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि सुबह उठता हूँ, फिर घर का काम वगैरह जो रहता है, दुकान का काम वगैरह रहता है, वो सब समेटता हूँ, उसके बाद मैं ही निकलता हूँ बाहर। तो नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है कि जब मेरा दुकान का काम खत्म हो रहा है, घर का काम खत्म हो रहा है, नॉर्मली इट्स लाइक 5 o'clock और 5:30, इसीलिए मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाता, क्योंकि शाम के 5:30 में व्लॉग स्टार्ट करके फ़ायदा क्या है। और एवरी सिंगल डे अगर मैं घर में रह रहा हूँ तो व्लॉग बना के फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कल जो हुआ था घर में आज के दिन पे भी वही होने वाला है, कल के दिन पे भी वही होगा, और परसों के दिन भी। ऑब्वियसली इट्स द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग थ्रू आउट द वीक। तो इसीलिए मैं घर पे शूट नहीं करता आजकल। दसवीं आ चुका है, इसकी वजह से गाड़ियां देखो हमारे मोहल्ले में। नानू का नाना, नमस्ते, कौन से हो? अहिले बादमा लान्छु नि ल बेलुकातिर, बाहिर गएको मैले। हजुर, ए भइहाल्छ, हुन्छ न। सो द्याट वाज माई मु बोली सिस्टर, और नाना बोल रही कि प्रसाद लेके जाओ। तो मैं बोला मैं अभी तो बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि आई इसके लाइफ अलॉट ऑफ नॉन वेज स्टॉक्स, पूजा का सामान और नॉन वेजिटेरियन स्टॉक्स को मैं एक जगह रखना नहीं चाहता। तो मैं बोला बाद में लेके जाऊँगा, ही वाज लाइक बाद में ख़त्म हो जाएगा लेके जाओ, रहेगा वो ठीक है, अगर ख़त्म हो भी जाएगा तो चलता है यार, ठीक है। तो हैप्पी दसैँ, बिहान देखेर लड्नु आँटिस भाइ, म त के हो गरिब मान्छे हो, हालिदेऊ साह्रै भयो 400। यस्तो सेल्सम्यान चाहियो नि त दोकानमा चाहिँ, दोकानमा चाहिँ यस्तो सेल्सम्यान चाहियो नि त, हाल्नु कि हाल्नु भोलि जबरजस्ती नि, एक सौ रुपियाँ उसकैबाट कटाउँछु म। अब बिटुवा ओए बिटुवा तुझको क्या डर है रे, धरती की अपनी है अपना अंदर है रे, जो छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। वन डे बिफोर दसमी त्यही त आम्मा दसैँको त मान्छे भन्दा त्यहाँ त गाडी छ त है। ल दा यो आशीर्वाद दिनुहोस् ल, धन्यवाद।
नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्कार तब देखे आगे यस यहाँ माथि दसैँको भाकुर आउनु थियो कि हेप्पी दसैँ है साथी भन्दा सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ घरमा सबैजना सन्चै मेरो गाह्रो छ हेर्ने खोल्नु फेरि सबैजना भेट्दै गरौँ हुन्छ हुन्छ हेप्पी दसैँ भन्छ कि गर्नुहोस् तपाईँ तपाईँको ड्युटी ल म गर्दै गर्छु घरको ड्युटी ओके अङ्कल हुन्छ सो राइट नाउ वी आर इन सिके चोक एन्ड वाट आर वी डुइङ अस्मिता वी आर बाइङ कुर्ता फॉर माय फादर वी आर नॉट बाइङ वी आर सर्चिङ एक्चुअली अभी कोशिश जारी है वी आर सर्चिङ फॉर हर डैड्स कुर्ता बिकॉज अपेरेंटली शी वॉन्ट्स टू गिव गिफ्ट हिज ए गिफ्ट ऑफ फादर अ ब्रांड न्यू कुर्ता फॉर द सेरेमनी ऑफ दसई वी आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड कुर्ता एंड इफ और जो कुर्ता मिल रहा है हम लोग को दैट्स लाइक वे आउट ऑफ द बजट इट्स वेरी एक्सपेंसिव फैशनेबल या और हमको चाहिए सिंपल वाला सफेद सिंपल सुशील सफेद बट लाइक व्हाट यू वांट ब्लैक कुर्ता फॉर योर फादर और व्हाट फॉर दिस कलरफुल ओनली बट नॉट इन व्हाइट कलर आई थॉट शी यू वांटेड व्हाइट कलर्ड कुर्ता बिकॉज़ व्हेनेवर कुर्ता कम्स टू माय माइंड इट्स ऑलवेज व्हाइट जैसे कि आप देख सकते हैं कैलिम्पोंग में आज के दिन में इन्सान कम है और गाडियाँ ज्यादा है हो साँच्ची नै अस्ति कुनै कसलाई जोक भन्दै थियो कि कालिम्पोङमा नि अहिले दसैँ गएको मान मान्छे भनेको ज्यादा गाडी भइरहेको छ भन्दैछ कि ठिकै रहेछ क्या एक आर्मी इतना पप 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 हो रहा है दिमाग का पुरा करीब 10-15 कपड़ा का दुकान में पूछ चुके हम लोग और कहीं पे नहीं मिला तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मंगलम तो बेसिकली उस टाइम व्लॉग को कंटिन्यू करना चाहता था पर कुछ ऐसा हो गया कि कंटिन्यू नहीं कर पाया वजह है मेरा गुस्सा आपके भाई को बहुत गुस्सा आता है तो बेसिकली हुआ क्या था कि हम लोग एक दुकान में गए जो सीके चौक के पास में है नॉट एग्जैक्टली सीके चौक भी नहीं बोल सकते दिल्ली स्टोर्स के साइड में वही लाइन पर एक दुकान है वहाँ पर गए तो एक आंटी बैठी हुई थी और आंटी के साथ एक उस उनका शायद अपना बेटी या कुछ बैठी हुई थी तो बेसिकली दोज वर द सेल्स पीपल ओके दोज वर द पीपल हु वर सपोज्ड टू सेल अस दोज थिंग्स तो जाहिर सा बात है कि उसको कुर्ता चाहिए था और वी डिडंट वांट समथिंग वेरी एक्सपेंसिव सो वी अवॉइडेड प्लेसेस लाइक स्नो वाइट और नसीम ऐसा जगह वगैरह अवॉइड किया हमने तो जब देख रहे थे हम लोग तो वो दुकान पर गए हम उसके बाद में एक कुर्ता उसको पसंद आया तो हम बोले कि वो दिखाइए तो शी ब्रॉट आउट द पैकेट तो पैकेट से बाहर निकाला बोल रही है कि मैं नहीं खोलूँगी अगर तुम लोग पक्का लेके जाओगे तभी मैं खोलूँगी अरे वाह वाह पांडे जी ऐसा करते हैं दुकान तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसके बाद में वो आंटी बोल रही थी कि 550 इसका प्राइस तो वो बोली कि 400 रुपये में दे दीजिए तो आंटी बोल रही ना ना 550 लास्ट होगा ये सब ऊपर से वो खोल के भी नहीं दिखा रही है कि कैसा है वो ठीक है तो दिमाग ख़राब मेरा वैसे मैं उसको बोला चलो चलते हैं तो ये बंदी वहाँ पे रुक गई ये बंदी नहीं आई उसके बाद में मेरे बाद में नहीं आई ये बंदी मैं अकेला निकल गया वहाँ से तो मैं गया सीधा ताज में चाय वगैरह पिया उसके बाद में जब ये बंदी मेरे को फ़ोन करती है तो हम लोग प्लान करके डेलो आ गए तो सोचे कि थोड़ा माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा बोल के हम लोग यहाँ पे आ गए तो बेसिकली बाद में पता चला मुझे कि ये लड़की ने पहले 400 रुपये कोट किया था और वो आंटी 400 में मान नहीं रही थी बाद में 350 में लेके आ गई है तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो पिन वगैरह रहता ना कपड़ा को टाइट बांधने के लिए वो पिन्स की वजह से कपड़ा थोड़ा पुराना था ठीक है तो थोड़ा रस्ट वगैरह का दाग वगैरह लगा हुआ था तो इसीलिए ज़बरदस्ती 350 में उठा के लेके आ गई द थिंग इज़ नॉट कि ऐसा बात नहीं है कि पैसा महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है पर द थिंग इज़ एज अ दुकानदार एज अ शॉपकीपर क्योंकि हम लोग के पास भी दुकान है ठीक है कस्टमर का पूरा हक बनता है पैसा देने से पहले कि प्रोडक्ट को जांच ले पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप पैसा दो आप ख़रीद लो उसी के बाद में खोलेंगे ये तो नहीं हुआ ना भाई तो एक बार दाम वगैरह फाइनलाइज़ कर लिया उसके बाद में बोलते हैं कि दाम फाइनलाइज़ करने के बाद अगर पता चला कि कपड़ा फटा हुआ है तो क्या करें एंड दे वर लाइक यू हैव टू बाई दिस इन ऑर्डर टू चेक द एंटायर थिंग आउट वरना नहीं खोलेंगे हम लोग ऐसा थोड़ी ना होता है तो मेरा दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो गया तो इसीलिए आई वाज लाइक सो पिस्ड ऑफ एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर तो सर आज का व्लॉग इधर ही तक रखते हैं ज़्यादा खींच के फ़ायदा है नहीं कल के दसवें वाला व्लॉग में देखेंगे
कल जी तोड़ फोड़ के एंजॉय करेंगे कल. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज ब्रदर द व्लॉग ऑफ फ्रेंड्स. प्रेम करूंगा एंड आई विल सी यू. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चीयर्स टू लाइफ. थैंक यू सो मच.